अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। अब की बार तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने ये किया है। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। आपका यह प्यार ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से
आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया है, अपनत्व पाया है। 2014 में मेडिसन स्क्वायर ...2015 में सॉन होसे ...2019 में ह्यूस्टन ...2023 में वॉशिंगटन और अब 2024 में न्यूयॉर्क। और आप लोग हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। ट्वेंटी फोर का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं, भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। तीन महीने का
पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, आठ हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। इस लेवल की स्क्रूटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है। और साथियों, इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब की बार साथियों, तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। और ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। भारत की जनता ने ये जो नया मैंडेट दिया है, उसके मायने बहुत है और बहुत बड़े भी हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है।